फ्रेंडशिप डे को इंदौर में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग अपने दोस्तों के साथ मनाते आ रहे हैं। सभी लोग फ्रेंडशिप डे पर अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट पहनाते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा इंदौर के 56 दुकान पर देखने को मिला। फ्रेंडशिप डे हमेशा से ही अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है। इसमें युवा अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। फ्रेंडशिप डे कई सालों से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के 56 दुकान पर अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे मनाने आई लवीना ने बताया कि फ्रेंडशिप किसी की मोहताज नहीं होती, इसे आप रोज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं, और दोस्ती वही जो किसी नए दोस्त के आ जाने से बदले ना। फ्रेंडशिप डे मनाने आई दिव्या ने बताया कि दोस्त वो हैं जिनके साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। दोस्ती का रिश्ता किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप दोस्तों के साथ वो सब शेयर कर सकते हैं जो आप माता पिता के साथ या किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते। अपनी फीलिंग्स दोस्तों के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स के मतलब क्या है, दोस्ती का मायने क्या है? दोस्ती सबसे एक इंजॉयमेंट, एक प्यारा सा रिलेशनशिप जो ना पेरेंट्स के साथ में मिलेगा ना ही किसी और के साथ में मिलेगा। सिर्फ मतलब फ्रेंड्स ही ऐसे होते हैं जिससे अपन कनेक्टेड रहते हैं और वो सारी चीज़ें शेयर कर पाते हैं जो अपन किसी के साथ नहीं करते। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड नहीं है, मतलब वो मेरी बहन है, छोटी बहन है, पर वो उससे बढ़ के मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसको बहन नहीं मानती, मैं उसको बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। तो मेरा कोई बेस्ट, एक्चुअली मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है, पर मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ उन लोगों के साथ में। पर मेरी एक छोटी बहन है, आज मैं उसको बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं एक दूसरे के साथ में। मतलब नाम बताओ दिव्या प्रजापति।